तुम्हें यहाँ पे क्या करना है कि यू हैव टू डू मतलब दीज ऑल थिंग्स, दीज ऑल एक्शंस तुम्हें अपने पिताजी के हिसाब से लगाना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हम बोल रहे हैं, है कि नहीं, दैट आई गेट अप एट 5 o'clock, फिर मैंने कहा आई फॉलो माई हैंड्स, देन मैंने कहा आई स्माइल अ बिट. तो ये जो चीज़ें 10 तक सेंटेंस हमने लगभग इतना आता होगा या फिर इतना आता, 11 तक साइड में जितना लिखा हुआ है, फिर ये सब हमने खुद के साथ लगा के बोला था. और काफी बार प्रैक्टिस में मैं तुमसे करवाया था, कमेंट में भी लिखवाया था, और तुम्हें वॉइस में भेजना था तुम्हें, और फिर 2 दिन बच्चों ने भेजा था, बाकी तो सब पता नहीं कहाँ गए. ठीक है, तो मैं 2 3 दिन थोड़ा बिजी रह गया, तो इसलिए रुको आज खबर लेता हूँ शाम को खत्म होने का क्लास. तो उसके बाद तुम्हें क्या करना, ये सब हमने आई के साथ लगाया है कि नहीं. तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इस जैसे पहला वाला सेंटेंस था हमारा, देन आई गेट अप एट 5 o'clock, तो यहाँ पे मैंने लगा दी कि माई फादर. जब मैं लगाऊंगा माई फादर, क्या कोई बता सकता है कि ये गेटअप का वही गेटअप रहेगा या इसमें कुछ बदलाव होगा? जल्दी कमेंट करो. क्या जब मैं लगाऊंगा यहाँ पे आई की जगह पे, मैंने कहा था कि आई गेट अप एट 5 o'clock, वहीं पे जब मैं लगा रहा हूँ कि सर आई की जगह पे मैं रिप्लेस कर दिया किसको, माई फादर को, तो वहां पे गेटअप का क्या हो जाएगा कुछ? अरे यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया यार, गेट दिमाग नहीं काम कर रहा. गेट, ठीक, जी टी गेट, जी टी गेट लिख दिया, वो तो गेट हो गया, घर का गेट है कि नहीं. तो मैंने कहा कि जब मैं यहाँ पे माई फादर लगाऊंगा, तो मैं वहां पे लगाऊंगा सर क्या लगाऊंगा, जल्दी कमेंट करो जल्दी. यस, ही गेट सब, बहुत अच्छा, गेट सब होगा है कि नहीं, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी. तो मैंने कहा कि जब माई फादर के साथ लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा माई फादर गेट सब एट 5 o'clock. ओके, उसके बाद में जब देन लगाऊंगा, मैंने कहा था कि आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, तो वहीं पे हम माई फादर की जगह पे माई फादर बार बार ना कह के हम कहेंगे नेक्स्ट में देन ही, क्या देन ही. तो उसी तरह से देन ही के साथ जब हम लगाएंगे इसको देन ही, इसमें क्या बदलाव होगा? देन ही फॉल्ट से क्या हो जाएगा? फॉल्ट हो जाएगा, मैंने कहा था जब हम कोई तीसरे के बारे में बता रहे हैं जो कि पर्टिकुलर एक पर्सन है कि नहीं, थर्ड पर्सन उसको हम कहते हैं, तो उसके साथ क्या होता है सर, यहाँ पे ज का साउंड है, एस का रोल काफी ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे तो मैं फॉल्ट में लगा था ना, फॉल्ट है कि नहीं. यस, यानी फॉल्स माई हैंड होगा कि हीज हैंड होगा, माई हैंड होगा कि हीज हैंड होगा, वो आंखों अपने हाथ जोड़ेंगे या तुम्हारे हाथ आगे जोड़ देंगे, ले बेटा जोड़ ले अपने हाथ. ठीक है, ये ध्यान रखना है तुम्हें. यस, हीज हैंड्स होगा, बहुत अच्छी बात है. तो यहाँ पे 10 के 10 तुम्हें अभी कमेंट करना है देन ही के साथ लगा के. ठीक है, पहले लगाओ माई फादर, इसको माई फादर गेट अप एट 5 o'clock, देन ही फॉल्स हीज हैंड्स. ठीक है, उसके बाद ये सबको जल्दी कमेंट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, फिर आगे आएंगे हम आगे अगली. इसको माई फादर के साथ मैंने पहला वाला लगा दी, फिर हमने कहा कि देन ही फॉल्स हिज हैंड्स, तो उसके बाद क्या होगा? सारा का सारा कमेंट करो, कौन कौन हो ऑनलाइन देखता हूँ थोड़ा, सबके सब कमेंट करो. ठीक है, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करते को मतलब जब लिख रहे हो तो उसके साथ साथ तुम्हें बोलना भी है. जैसे मैंने कहा था माई फादर गेट अप एट, माई फादर गेट्स अप एट 5 o'clock, देन ही फोल्ड्स हिज हैंड्स, देन ही स्माइल को से स्माइल, स्माइल नहीं होगा, स्माइल्स होगा है कि नहीं. हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
सॉरी यस आ गया कमेंट, देखता हूँ किसने कमेंट किया सबसे पहले। यस अरुणिमा, माय फादर गेट्स अप एट 5 o'clock, देन ही फोल्ड्स हिज हैंड्स, देन ही स्माइल्स अ बिट, देन ही थैंक्स गॉड फॉर अ न्यू डे, देन ही ओपन्स हिज आईज, देन ही टॉसेस हिज बॉडी टू लेफ्ट, देन ही कीप्स द ब्लैंकेट एसाइड, देन ही थैंक्स हिज लेग्स downwards, then he searches for sleepers, then he puts on his sleepers. बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, लाजवाब, जिंदाबाद। यस दिव्य दिशा, एज फार एज माई फादर्स डेली रूटीन इज कॉन्सर्न, बहुत अच्छी बात, स्टार्टिंग बहुत जबरदस्त है। He gets up at 5 o'clock, then he folds his hands and smiles a bit. Then he thanks God for a new day, then he opens his eyes. Then he tosses his body to left and right, and then he keeps the blanket aside. Yeah, both acha. Then he hangs his legs downwards, and then he searches for his sleepers, and he puts on his sleepers, and then he asks for water. Both acha, zabardast. Both badhiya. Baki sab kahan gaye? बाकियों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो जाना चाहिए बेटा, इतना प्रैक्टिस करवाया हूं तुम्हें पिछले 12 दिन से, ये सब चीजें। अभिलिप्सा, बहुत अच्छी। यस माय फादर गेट्स अप एट 5 o'clock, देन ही फॉल्स एंड स्माइल स्माइल, पर यहाँ पे अगर लिखना है कि देन ही फॉल्स हिज हैंड्स एंड स्माइल, तो वहां पे स्माइल्स करना है बेटा, ठीक है? बार में एस लगेगा, एस छूट गया, स्माइल्स ए बीट, चलो वो छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे बार को गलत नहीं करना। देन ही थैंक्स गॉड फॉर ए न्यू डे, देन ही ओपन्स हिज आईज, देन ही टॉसेस हिज बॉडी टू लेफ्ट एंड राइट, देन ही कीप्स द ब्लैंकेट एसाइड, देन ही हैंग्स हिज लेग्स डाउनवर्ड्स। बहुत अच्छी बात, और वहां पे स्माइल में एस लगा देना, स्माइल्स हो जाएगा, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, मतलब सबको थोड़ा थोड़ा ये सब चीज आ रहा है कि नहीं? चलो इसको मिटा देता हूँ और हम शुरू करते हैं आज का जो बाकी, हम 12 नंबर, ये कितना है, 11 है, तो 12 से हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे, क्योंकि इसको मिटाना जरूरी है, क्योंकि मुझे लिखना भी होगा इस साइड में, तूफान उफान आने वाला है लाइफ शायद। देखो फिर हमने कहा, कहाँ तक गए थे सर, कि आई गेट अप फ्रॉम बेड एट, आई गेट अप एट 5 o'clock, वहां से लेकर, है कि नहीं? उसके बाद हमने उसको याद है ना सब कुछ, आई थिंक ऑल थिंग्स विल बी रिमेम्बर्ड बाई यू, सब कुछ याद होगा तुम्हें। लाइक पहला क्या था, कि आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, देन आई स्माइल अ बिट, उसके बाद क्या था, देन आई थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे, है कि नहीं? देन आई ओपन माई आईज, फिर उसके बाद इस तरह से यहाँ से लेके दो, ब्लैंकेट साइड से लेके पैर नीचे लटकाना, फिर चप्पल ढूंढना, फिर उसको पहनना, फिर पानी मांगना, है कि नहीं? मैंने कहा था आस्क पर का मतलब क्या होता है, मांगना होता है, लेकिन आस्क, सिर्फ आस्क की अगर हम बात करें तो वो होता है पूछना। तो उसके बाद हमने क्या किया, जैसे हमें पानी मिला, देन आई टेक वाटर टू फील, ये वाला सेंटेंस तरह ध्यान से देखना, देन आई टेक वाटर टू फील, ठीक है?
टेक वाटर टू फील, इसका मतलब होता है पेट भर के। कोई भी चीज अगर हम लिखें यहां पे, ध्यान दो यहां पे सब, टेक टू फील मतलब होता है दबा के खाना। जैसे मान लो कि हाँ मैंने कहा टेक फूड टू फील, इसका मतलब है पेट भर के खाना, या फिर हम जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं दबा के खाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपने घर में थोड़ा थोड़ा खाते हो, जैसे चले गए कहीं पे, लगा है किसकी शादी, बुलाया गया है शादी में, है कि नहीं, तो वहां पे जाके चिकन मटन मछली वछली सब कोई किसी को नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं, उसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, दबा के खाना। फ्री में जब मिलता है तो सही दबा के ही खाते हैं सब। पता नहीं कोई ने एक पोज दे रहा था दीवार से सट के, तो डर था कहीं दीवार ना गिर जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा टेक टू फील का मतलब होता है बेटा पेट भर के, टेक मतलब लेना, लेकिन टेक मतलब देखो, समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि टेक और हैव क्या होता है। तो यहां पे मैंने कहा कि टेक टू फील मतलब पेट भर के, तो मैंने कहा जब टेक फूड टू फील तो उसका मतलब पेट भर के खाना। जैसे मैंने कहा टेक वाटर टू फील, यहाँ पे लिखा है ना टेक वाटर टू फील मतलब पेट भर के पानी पीना, ठीक है ना, सुबह उठ के पानी पीना बहुत सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो टेक फूड टू फील का मतलब क्या होगा? तो देखो इसको थोड़ा इसको ही चलो मान लो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करवा देते हैं, क्योंकि थोड़ा अजीब है बेटा, नथिंग इज अजीब, ठीक है ना, अजीब लगना को कहते हैं फील स्ट्रेंज, ओके। तो कुछ भी स्ट्रेंज नहीं होता है, कोई अजीब नहीं होता है, हमने पहले से बोले नहीं तो हमें, जैसे हमने कहा कि सर खाना, तो हम कहते हैं सर सिंपली, है कि नहीं। लेकिन जब हम कहेंगे पेट भर के खाना, दबा के खाना, है कि नहीं, जरा कौन तोंटी बंद गिड़ रहा, तो दिस पर्टिकुलर, इन दिस सेंस दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज यूज लाइक टेक टू फील, जो भी तुम्हें लेना है उसको बीच में डाल दो, टेक वाटर टू फील मतलब पेट भर के पानी पीना, है कि नहीं। मैंने कहा बिरयानी पेट भर के, पेट बिरयानी मैंने दबा के खा दिया, तो आप लिख दो टेक बिरयानी टू फील, समझ में आ रहा है कि नहीं। वहीं पे अगर देखो, अगर ये जारी होगा तो क्या होगा, बोलो मेरे साथ साथ, अगर ये जारी है तो क्या होगा, टेकिंग फूड टू फील। मान लो हमने इसी सेंटेंस को पकड़ा और इसको हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो जैसे हमने कहा कि ये जारी है तो क्या हो जाएगा, टेकिंग फूड टू फील। अगर आई के साथ जारी है तो सर आई एम टेकिंग फूड टू फील, यू के साथ तो यू आर टेकिंग फूड टू फील, है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जैसे मैंने कहा मैं उसको सवाल करो, आर यू, सेंटेंस था, सेंटेंस क्या था, यू यू आर टेकिंग फूड टू फील, यही सेंटेंस था, आर को आप आगे लो तो हो जाएगा आर यू टेकिंग फूड टू फील, ठीक है। उसने कहा कि यस आई एम, उसने कहा यस मैंने ले लिया है, मैंने दबा के खा लिया है, मैंने कहा जारी था काम खत्म हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, जारी था काम खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, आई हैव टेकन फूड टू फील, है कि नहीं, आई हैव बाई टेक का टेकन हो जाएगा, मैंने पेट भर के खा लिया है, होगा क्या नहीं। इसको अगर यू के साथ लगाओ तो सर यू हैव हो जाएगा, यहाँ पे ही के साथ लगाओ तो ही हैज हो जाएगा, इसको सवाल अगर करोगे तो हैज ही हो जाएगा, है कि नहीं, हैज ही टेकन फूड टू फील। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुम कहोगे सर पहले दिन से आप इसी चक्कर में घुमा रहे हैं, मैं इसी थोड़ी थोड़ी चीज पे आप क्या कर रहे हैं, इसी छोटे छोटे चीजों पे हमको घुमा के रखे हैं बड़ा, यही जब जितना मैं कहा ना, जैसे तुमने देखा होगा कि जो कोई मतलब रनिंग करता है तो वो अपने गांव के, मान लो कोई भी, जो मान लो उठा लो कोई भी एथलीट उठा लो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो एथलीट क्या करता है, अपने जो गांव में, अरे हर गांव में एक छोटा सा मैदान होता है, कैनाल होता है, हर गांव में कैनाल नहीं होता है, मैदान तो हो ही जाता है, उस मैदान में वो क्या करता है बेटा, चक्कर लगाता है कंटिन्यूस रोज 50-50 चक्कर लगाता है, फिर आगे जाके वो नेशनल इंटरनेशनल खेलता है। हिमा दास को जानते हो कि नहीं, आसाम से गरीब खेती, उनके पिताजी खेती वेती करते हैं, किसान की लड़की है और बन गई इंटरनेशनल चैंपियन बन चुकी है, पहचानते हो हिमा दास को? नहीं पहचानते,
ओके, तो वही प्यारे बेटा कहा जाता है ना कि देखो बिग बैंग, पता है तुम्हें बिग बैंग क्या होता है? पहले फैलना नहीं बेटा, उसको कहते हैं रायता फैलाना, है कि नहीं? रायता फैलाना, वो फैलाना नहीं, फैलना नहीं है, पहले खुद को स्क्वीज करना है कि नहीं? क्या फिजिक्स में कहा था है कि द ग्रेटर द फ्यूजन द ग्रेटर द फ्यूजन, है कि नहीं? मतलब जितना ज्यादा संलयन होगा, फ्यूजन समझते हो ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो इस तरह से खुद को पहले सिकुड़ो, फिर जाके जब 1 महीने के बाद जब तुम जाके ब्लास्ट करोगे, तब जान तब ना जाके मजा आएगा, है कि नहीं? सॉरी, किसी ने रिक्वेस्ट भेजा था, उसको एक्सेप्ट करने के चक्कर में सब कांड हो गया। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यही पे चक्कर लगवाऊंगा तुम्हें, तो 1 महीना उसके बाद जब मैं छोड़ दूंगा। अरे मिशन मिशन मंगल देखे हो कि नहीं? देखो मिशन मार्स, ठीक है? पहले उसको लगे यही पे अर्थ के ऑर्बिट पे चक्कर लगवाया 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 लगवा गया, फिर जब रफ्तार पकड़ गई किसने, जो मंगलयान, उसको छोड़ दिया गया, ला जा चले जा। बस वही कर रहा हूँ, बिग बैंग थ्योरी पता है कि नहीं होता? पहले बिग बैंग क्या होता? पहले सिकुड़ा था। ब्लैक होल पता है कुछ? ज्योग्राफी वगैरह भी कुछ क्या घंटा पता होगा? ब्लैक होल अगर पता है तो पता ही होगा। बिग बैंग पहले क्या होता है? पहले सिकुड़ता है, फिर जाके जब एक्सप्लोड होता है तो उसका कोई अंत नहीं होता है, वही से बना है ना सवार द्वार सब। हाँ, तो वही रोक के रख रहा हूँ तुम्हें, उसी स्ट्रक्चर को बार 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 इतना दोहराएंगे फिर दिमाग में बैठ जाएगा, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे सामने देखा जा रही है तो आइंस लगाओ, खत्म होगा तो हेल्प थर्ड लगाओ, है कि नहीं? थर्ड पे तो धीरे धीरे बढ़ा ही रहा हूँ हर चीज को। चलो हम आ जाते हैं कहाँ पे, हमने बात कर रहे थे टेक फूड टू फील, हम बात कर रहे थे कि दबा के पानी पीना, दबा के पानी पीना को टेक फील टू वाटर, है कि नहीं? अगर आई कैसे लगे तो जा रही है तो आई एम टेकिंग वाटर टू फील, है कि नहीं? टेक का ही समझ रहा है। चलो आ जाओ यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा सर 13 का है, जो सर हैव ए स्ट्रॉल, ठीक? देखो ध्यान में दो यहाँ पे STROLL, स्ट्रॉल मतलब ट्रोल व्रोल नहीं, ठीक है? हैव ए स्ट्रॉल उसका मतलब होता है टहलना। ऐसे में ऐसे मैं चुपचाप खड़ा होकर पढ़ा ही नहीं सकता, मैं ऐसे हिलता ही रहता हूँ, टहलता रहता हूँ, ठीक है? थोड़ा इधर जाता हूँ, थोड़ा उधर जाता हूँ। वो तो तार ने, ये तार जो नहीं, ये बांध कर रखा है, नहीं तो मैं घूमता रहता था चारों तरफ। तार है लंबा लेकिन वो अजीब हो गया है कुछ। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दूसरा होता है ये स्ट्रोल का मतलब होता है टहलना, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए टहलता हूँ, ठीक है? देन आई हैव ए स्ट्रोल। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, सर हैव लगा दिया अपने ऐसे ही कैसे? कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ ये चीज में, हालांकि ये चीज में रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में पढ़ा दिया था, ठीक है? फिर भी और एक बार तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ, हमारे ज्ञानवर्धक चीजें देखो, समझो यहाँ पे ध्यान। एक चीज जिंदगी में याद रखना है बेटा, जिंदगी में एक चीज याद रखना, क्या? कहीं पे अगर टेक इस्तेमाल हो रहा है इंग्लिश में, ठीक है? कहीं पे अगर इंग्लिश में टेक इस्तेमाल हो रहा है, उसकी बदले में हम हैव को लगा सकते हैं। उसके बदले हम क्या लगा सकते हैं? हैव को लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा टेक ए सीट, उसके बदले तुम लगा सकते हो हैव ए सीट। किसी ने कहा टेक टी, या फिर हमने कहा टेक मेडिसिन, उसके बदले तुम लगा सकते हो हैव मेडिसिन। ये बोलने में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है हैव का, ठीक है? तुमने कहा कि सर टेक फूड, या फिर हमने कहा टेक लंच, उसमें लगा सकते हो हैव लंच। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? इंग्लिश में टेक की जगह पे तुम हैव भी लगा सकते हो। इंग्लिश में टेक का मतलब हैव, जैसे मैंने कहा कि टेक अ सीट मतलब एक कुर्सी ले लो बैठ जाओ, उसका उसको हम ले सकते हैं कि हैव अ सीट कहेंगे तो सेमी सेंस आएगा, सेमी मीनिंग आएगा, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा कि जैसे ही हमने कहा कि टेक अ सीट या फिर टेक मेडिसिन, है कि नहीं? मेडिसिन लो, तो है मेडिसिन। अगर मैंने कहा कि मैंने मेडिसिन, अगर ये जारी होगा तो क्या होगा? देखो ध्यान पे, अगर मैं जारी होगा तो शीट, आई एम, आई के साथ जारी होगा तो आई एम टेकिंग ए सीट,
यू के साथ तो यू आर टेकिंग ए सीट, क्वेश्चन करो इसको आर यू टेकिंग ए सीट, ही के साथ तो ही इज टेकिंग ए सीट, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ? पहले इतना समझो फिर समझाऊंगा कैसे ये माजरा क्या है सर, है यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैंने रोल ऑफ ऑक्सिलरी वाला वीडियो देखा है तो आई थिंक तुम्हें यहाँ पे जस्ट बस समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है? यहाँ पे मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, मेन वर्ब क्या है, ये क्या, वो क्या, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। तो यहाँ पे बात आती है कि सर और बच्चे ना डर जाते हैं कभी कभी सेंटेंस में कुछ इस तरह से इंग्लिश उनको डराता है, मैं सोच ही नहीं सकते। देखो हमने कहा टेक, उसका बी टू होता है टेकन होता है कि नहीं भाई? बी थ्री भी सर सॉरी टेकन नहीं होता है, टूक होता है, टूक होता है। बी थ्री होता है टेकन, फिर हमने बोला था वी फोर जिसको हम आई जी लगा दो टेकिंग, और हो गया ये टेक्स, सबको दिख रहा है ना, टेक टूक टेकन टेकिंग और टेक्स। तो ये हो गया हमारा भाव का पांच फॉर्म, ये पढ़ा चुका हूँ मैं आगे। तो यहाँ पे सवाल आ रहा है कि जैसे मान लो हमने कहा सर हैव द, हैव का मतलब भी तो टेक ही होता है, तो उसके अगर हैव की अगर हम बात करें तो भार्व हैव जो है उसको अगर हम बात करें तो इसको भी हम लगा दें, उसका वी वन क्या होता है, हैव होता है सर, वी टू हेड होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वी टू क्या होता है, हेड होता है, वी थ्री भी उसका हेड ही होता है, वी फाइव हो जाएगा आई एन जी लगा दो हैव में तो हैविंग हो जाएगा, और वी फाइव की अगर हम बात करें तो होता है हैज हो जाता है कि नहीं? हैज हैज एच एस हैज। चलो अब हमने कहा कि यहाँ पे सेंटेंस तो मान लो कि मैंने मेडिसिन ले ली है, आई हैव टेकन मेडिसिन। यहाँ पे मैं अगर टेकन की जगह पे लगाऊं हैव को उसके हिसाब से तो क्या होगा सेंटेंस, क्या कोई बता सकता है, बता सकता है क्या कोई? मैंने कहा कि आई हैव, मान लो कि जो मेडिसिन लेना है ठीक है, जो मेडिसिन खाने का काम मैंने खत्म कर चुका हूँ, हमारा खत्म हो चुका है, तो हमने यहाँ पे लगा सर आई के साथ आई ने खत्म किया तो हैव लगा के थर्ड लगा दो, थर्ड फॉर्म, थर्ड का मतलब थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, तो टेक का हमने टेकन कर दी। तो वहीं पे मैंने कहा कि अगर तुम इस टेक को हैव के साथ बदलना चाहोगे तो ये वाला सेंटेंस पूरा क्या बन के आएगा, क्या कोई बता सकता है? Yes, I have had medicine. बहुत अच्छा दिव्यदी सर, जबरदस्त। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे हमने कहा कि मैंने ले लिया है तो I have तो ये रहेगा, कोई भी काम अगर खत्म हो गया है तो I have तो रहेगा वहां पे, I ने खत्म किया तो I के साथ have लगा। वहीं पे मैंने कहा कि take, taken की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, have का, तो have का यहाँ पे take का हुआ है भी थ्री फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो सर have का भी थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेड होता है, तो इसको यहाँ पे लाएंगे, तो आई हैव हेड मेडिसिन। तुम कहोगे सर एक जगह पे इतना सब कैसे, मतलब ये किसी ने इसमें हैव भी लगा दो हेड भी लगा दो। बेटा अगर इसको और ज्यादा अगर हम करें तो देखो मान लो हमने कहा आई के साथ आई ने खत्म किया था तो आई हैव थर्ड हुआ था, तो मान लो इसको ये वाला सेंटेंस होता ही हैज टेकन मेडिसिन। ध्यान देना बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूं मैं, उसको अगर हमने कर दिया कि यहाँ पे टेकन को हमने बदल दिया किसके साथ, हैव के साथ, तो ही हैज तो वही रहेगा क्योंकि ये तो ही ने खत्म किया तो हैज लगेगा, तो टेकन की जगह पे क्या होगा, हेड हो जाएगा, ही हैज हेड मेडिसिन। बेटा बोलने में सुनने में अजीब लगेगा लेकिन मैंने कहा था कुछ जिंदगी में कुछ अजीब नहीं होता है, जो हम पहली बार सुनते हैं हमको अजीब लगता है लेकिन बेटा ये सब सही होता है। अगर कभी जिंदगी में लेकिन इंग्लिश में इस तरह का सेंटेंस दिखे सर आई हैव हेड मेडिसिन, कभी कभी तो हेड हेड भी हो जाता है, मान लो ये पास्ट में होता है, पास्ट की बात तो अलग में आगे करूंगा, पास्ट में कभी कभार हो जाता है हेड हेड भी दो बार हो जाता है। क्या समझ में आया या किसी को डाउट हो रहा है कमेंट करके पूछो। यस ही हैज हेड मेडिसिन, यस आई हैव हेड मेडिसिन, यस सबको समझ में आ रहा है ना? ये बेटा मैंने समझा दिया था कहाँ पे, आई थिंक तो ग्रामर वाले वीडियो में समझा दिया था, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में वहां पे हर एक वर्ब को मैंने डिटेल्स में समझाया। यस चलो अब बात आती है कि समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैंने कहा देन आई हैव ए स्ट्रोल, तो इसका मतलब हैव मतलब मैं लेता हूँ, मतलब मैं करता हूँ वही वर्ब, जैसे देन आई तुम यहाँ हैव जगह पे टेक लगा, देन आई टेक ए स्ट्रोल मतलब मैं थोड़ा टहल लेता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं आ रहा सबको? पहला हमने कहा कि टेक वाटर टू फील, तो मतलब दबा के पानी पीता हूँ, पेट भर के पानी पीता हूँ, उसके बाद हमने कहा देन आई हैव ए स्ट्रोल।
है कि नहीं? तो यहीं पे बेटा कंफ्यूज मत होना, यहीं पे कंफ्यूज मत होना। अबे क्या हो रहा है? अगर मान लो यहां पे हमने लगा दी किसको, यहां पे हमने लगा, देखो ये वाला सेंटेंस को मैं यहां पे उठा के लाता हूं। क्या घंटा उठाऊंगा, सब उठ गया सत्यानाश। ये बारिश की मौसम, जोड़ो मोड़ो बोर्सा किसी ना ही खाली फिल्टर लाइन कर दूंगा। हाँ बड़ा सब करंट पड़े वाला वर्षा तो हो ची आओ किस करियो को। ଜର ଜର ନା କରୁଛନ୍ତି ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ ପିଲା ରୁହେ ମୁଁ ତାପରେ ପରେ ବୁକିଂ କରିବି। ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜି ମୋର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇଁ ବୁକିଂ କରନ୍ତି ଯେ କ୍ଲାସ ମଝିରେ ଲାଇନ ପଳେଇବ ନା ତୁ। ଚଲୋ 5-10 ମିନିଟ ଇନ ସବ ଚିଜ କୁ ରିଭାଇଜ କରତେ ରହୋ ଠିକ ହେ, फिर अगर लाइन आ गया तो फिर मैं ग्रुप में मैसेज करके आ जाऊंगा लाइव। आधा समझाया था टैग वाला कॉन्सेप्ट, कहाँ निकलता हूँ। हाँ शुभ्रांशु सर नहीं किया इसलिए वैक्सीन जे मत जोर जोर लागू टे फीवर आस पड़ा तेरे मुझे गोटे दिन जगी जाए मुझे याडु ज्वर सियाड़ू वैक्सीन ज्वर तर मुझे चुंबक लुहा टाणा थे मुझे सब झीओ गुड़ा उठाणी। आउ का टाणी रथ रथ टाणी चलो से दिन किंतु ठीक लीव मारी आसीगला करेन्ट आज तर करेन्ट तर आसीबना नहीं चप कई स्क्रीनशॉट मारिबनी कोई दीजिए भूतर को देखा दूची मुझे सब स्क्रीनशॉट मारी पठे दे सब देखो अंधेरा का है। ସେ ଖୁସି ଅଛି ତମେ ସେମିତି କେନା ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲ ସେଠି କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ଗୋଡେଇ ଥାନ୍ତ ନା ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ତାର ପଜ ନେଇକି ଚାଡିଛି ଫଟୋ ତମ କଥା ଟେମ୍ପରେଚର ତମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହେଲେ ମୋର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ମତେ ଜ୍ୱର ଆସୁଛି ସେ ପାଚେରୀ ଗଡ଼େଇ ଦେବ ତମେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନୂଆ ପାଚେରୀ ପରେ ରିସେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି ଓଭରବ୍ରିଜରେ କାମ ହଉଛି ହେଲ୍ପ କରିବେ ଲୁହା ରଡ଼ ଉଠେଇତେ ଆପଣ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହେବେ କିଏ ହଲିଉଡ୍ ମୁଭି ଦେଖ କି ଏକ୍ସମେନ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି ସିରିଜଟା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଥାଏ କିସ ତାହେଲେ ସିଏ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଭଳିଆ ଥାଏ ସିଏ ତାର ଯେତିକି ସବୁ ହଁ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଟୋ ସିଏ ଯେତିକି ସବୁ ମେଟାଲ କୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରେ ଏମିତି ହେଲେ ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ସବୁ ଯିଏ ଗୁଡା ଆସୁଥାନ୍ତେ ସ୍କୁଟିରେ ମୁଁ ସ୍କୁଟିଟା ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତି କଚାଡ଼ିକି ପଡ଼ନ୍ତେ ସବୁ ଚଲୋ ଟିକେ ଡାଟା ମାଟା ସାରନି ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଯଦି ହବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ମେସେଜ ଆଉ 7ଟା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ନେବେ ସେ ଓଦା ଆଜି ହବନି ଯଦି ତା 6:30 ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ କ୍ଲାସ କରିବ ନହେଲେ ହବନି ହେଲା 7ଟା ବେଳକୁ ମ୍ୟାଥ କ୍ଲାସ ଅଛି।
चलो डाटा सारांश
মশা আগে আমাদের ড্যান্স করা প্রয়োজন। শীঘ্র শীঘ্র আসো, শীঘ্র শীঘ্র আসো, আমার একটু মশা মারবো ধূপ দিয়ে দুজনে। ওম মঙ্গল মঙ্গল্যে বিষ্ণু শিবে সর্বাস্ব সাধি ক্ষেত্রে মুখ সাথে করি নারায়ণ নমস্তে মাধব মাধব হরি মাধব ভগবান বিষ্ণু ভগে কামলো নিরোহি যথা রাবণস্য মন্দোদরি। মশা গুড়া ধূপ তমকে পিঠে ধূপ দেব, চলা আশীর্বাদ দিও সব। চলো আজ সারদা পাঠ শীঘ্র এটাকে হ্যালো। যথা অরুণ অরুন্ধতী মার ইমে যাচ্ছে না, অরুন্ধতী কি হ্যাঁ মশা মানে পূজা করছো। দেখো দেখো আসছো আসছো, তো আমি ডিসকাস করতে দেখো মু কইলি যে কম কইলি কম কইলি মনে আছে না 5 মিনিট আগে কোথায় গেছে। হ্যালো ওকে ইয়া যাও, দেখো ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସାର୍ ଟେକ୍ ଆଉ ହେଭ୍ ରହୁଛି କ'ଣ, ସେ ଟେକ୍ ଓର ହେଭ୍ କା ଯୋଉ ମତଲବ ହୋତା ହେ ସେମ୍ ମିନିଂ ହୋତା ହେ ଓର ଇସମେ କନଫ୍ୟୁଜ ନହିଁ ହୋନା। ଜେସେ ହମନେ କହା ୟହାଁ ପେ ଦେଖୋ ୟେ ହେଭ୍ ମତଲବ ଇସକା ଇସକେ ବଦଲେ ମେ ତୁମ କ୍ୟା ଲଗା ସକତେ ହୋ, ଆଇ ଟେକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଲ ଭି ଲଗା ସକତେ ହୋ, ଠିକ୍ ହେ ମତଲବ ମିନିଂ ସେମ୍ ହୋତା ହେ, ତୋ ୟହାଁ ପେ କନଫ୍ୟୁଜନ ନହିଁ ହୋନା। ଜେସେ କି ମନେ କହା କି ସାର୍ ଆଇ କେ ସାଥ ଲଗା ହେ ତୋ ହମ ଲିଖ ଦେଙ୍ଗେ କି ଦେନ ଆଇ ହେଭ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଲ ହେ କି ନାହିଁ। ଉସକେ ବାଦ मैं एक मतलब मैं थोड़ी देर टहल लेता हूँ वहीं पे, अगर यहाँ पे आई की जगह पे ही लगाता या फिर माई फादर होता तो क्या होता। क्या कोई बता सकता है? अच्छा ट्रॉल को ही दे लेगी, ट्रॉल सॉरी স্ট্রল স্ট্রল ঠিক আছে। আরে ঠিক আই দিল আই পাখার কোন লোক দেন আই হেবে স্ট্রল সরি হ্যাঁ আরে ইয়ার স্ট্রল স্ট্রল দেন আই হেবে স্ট্রল ইয়েস। আগর সেটা আই দাম মাই ফাদার মতো উসকে বাদ আগে মাই ফাদার কে সাথে লাগতা তো ক্যা হতা। দেখো ইয়াহ পে সিম্পল সি বাত বেটা, ইসমে জাদা কনফিউজন কি জরুরত হি নেই হ্যায়। দেখো আগর ইয়হি পে হতা কি আই হ্যাভ की जगह पे हमने लगा दिया देन आई टेक ए ट्रोल देन सॉरी देन आई टेक ए स्ट्रोल, वहीं पे अगर ये क्या होता माई फादर का साथ लगाते तो क्या होता माई फादर देन माई फादर टेक का क्या हो जाता टेक्स हो जाता है कि नहीं। देन माई फादर टेक्स स्ट्रोल टेल लेते हैं थोड़ा, यही है माई फादर यहाँ पे है तो ये टेक्स की जगह पे हम किसको लगाएंगे। देखो टेक का मतलब अगर हैव है तो जब हम टेक्स करेंगे तो हैव का इसका बी फाइव हो रहा है एस लग रहा है तो बी फाइव हो रहा है तो हैव का बी फाइव क्या है बेटा हैज है। देन माय फादर हैज ए स्ट्रोल, बस कहानी खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? यस माय फादर हैज ए स्ट्रोल, बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया। चलो यहाँ आ जाओ, उसके बाद हमने देखा कि पहला हमारा क्या था याद है सबको एक नंबर से क्या था एक नंबर वाला आई गेट अप एट 5 o'clock देन आई All my hands, then I smile a beat.
है नहीं, बीट इतना ज्यादा एम्फसिस मत देना, देन आई स्माइल अ बिट, देन आई थैंक गॉड, देन आई थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे, ओके, देन आई ओपन माय आईज, देन आई टॉस माय बॉडी टू लेफ्ट राइट, देन आई कीप असाइड माय, देन आई हां, देन आई कीप असाइड माय ब्लैंकेट, सबको याद है कि नहीं है और सब चीजें, यस द फ्लो में होना चाहिए सब चीजें, ओके okay. उसके बाद हम आप पहुंच गए कहां तक, देन आई हैव अ स्ट्रॉल, मतलब हम थोड़ा टहल लेता हूं, तो पानी पी लिया, टहल लिया, फिर मैं कहां जाता हूं, देन आई गो टू वॉशरूम, ओके 14 नंबर गया है मैं, फिर उसके बाद देन आई गो टू वॉशरूम, बोलो मेरे साथ, देन आई गो टू वॉशरूम, ओके देन आई गो टू वॉशरूम, 15 नंबर आता है, देन आई अटेंड, देन आई अटेंड अ नेचुरल कॉल, नेचुरल कॉल, ठीक है, या फिर गेट फ्रेश, नेचुरल कॉल सबको पता है, अगर इसको नहीं पता है, सुबह जो हल्का होने के लिए हम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल कॉल, ओके, इसको तुम नेचर कॉल भी कह सकते हो, इसको तुम देन आई गेट फ्रेश भी कह सकते हो, जो कहना है कह सकते हो, बट यू कैन से इन एनी वे, बट यू हैव टू से, बिकॉज इट इज अ, ये कभी नहीं रुकता है कि नहीं, खाना खाओगे तो भाई वो तो जाएगा ही, डाइजेशन में होगा तो हल्का आने तो जाओगे, अरे टंकी लोड होगा तो अनलोड भी तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर जा, फिर कहाँ जाके स्टोर होगा सब चीजें, ओके तो उसके बाद होता है देन आई अटेंड द नेचुरल कॉल और दैट इज अ गेट फ्रेश, ओके समझ में आ रहा है सबको, फिर मैंने कहा फिर गया, फिर देन आई कम आउटसाइड, फिर मैं बाहर आता हूँ, है कि नहीं, बाथरूम गया, बाहर आया, फिर मैं क्या करता हूँ देखो, कम आउटसाइड मतलब बाहर आना, मैंने टर्न ऑन द टेप, फिर मैं टेप टंटी जो क्या कहते हैं, टूटी ऐसा कुछ, टेप भी समझ लो, है कि नहीं, टूटी मुटी क्या कहते हैं, टूटी कौन दिया वो, ना 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 टोटी एट, तो हिंदी में क्या कहते हैं उसको, चलो छोड़ो बात, चलो अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रहा है कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो में डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो फिर उसके बाद हमने कहा देन आई अटेंड द नेचुरल कॉल और देन आई गेट फ्रेश, देन आई कम आउटसाइड, देन आई टर्न ऑन द टेप, टर्न ऑन मतलब होता है 20 खोलना, टेप खोलना, है कि नहीं, टर्न ऑन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक एक चीज बताऊंगा मैं, बोला था देन आई टर्न ऑन द सब, देन आई वेट माई हैंड्स, अरे इसी को अलग अलग फॉर्मेट में डाल सकते नहीं सकते, अगर सर जारी है तो क्या होगा, टर्निंग ऑन, आई के साथ आई एम टर्निंग ऑन, यू के साथ यू आर टर्निंग ऑन, अगर खत्म हो गया तो यू हैव टर्नड ऑन, है कि नहीं, काम उसने खत्म कर दिया, ऑन कर लिया ना, हाँ कर लिया, तो टर्न से ईडी लगा तो टर्नड ऑन द टेप, है कि नहीं, उसको सवाल करो हैव यू टर्नड ऑन द टेप, उसने कहा यस आई हैव टर्नड ऑन द टेप बट शी हैज नॉट टर्नड ऑन द टेप, बस वही तो बात है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद देन आई वेट माई हैंड्स, वेट मतलब होता है भिगाना, है कि नहीं, देन आई वेट माई हैंड्स, देन आई वेट माई हैंड्स, इसका अगर तुम वेट जब इसको तुम जारी होगा तो डब्लू डबल टी लगेगा, वेटिंग होगा, वो वाला वेटिंग नहीं, डब्ल्यू टी टी आई एन जी, जब इसको वी टू करोगे तो वेटेड होगा, वी थ्री भी वेटेड होता है, है कि नहीं, जैसे मैंने कहा कि देन आई वेट माई हैंड्स, अगर जारी होगा तो देन आई वेटिंग माई हैंड्स, मैं हाथ क्या कर रहा हूँ, धो रहा हूँ, मतलब भिगो रहा हूँ हाथ पानी में, देन आई वेट, देन आई वेट, हाँ देन आई वेट माई हैंड्स, अगर जारी होगा तो वेटिंग माई हैंड्स, है कि नहीं, बोलो मेरे साथ, देन आई अगर खत्म हो जाएगा देन आई हैव वेटेड माई हैंड्स, जैसे मैंने खत्म होता यस, कोई अगर पूछ रहा है कि हाथ मतलब हाथ हाथ भिगा लिया, तुमने कहा यस आई हैव वेटेड माई हैंड्स, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बोलो मेरे साथ साथ, पहला क्या था, देन आई टेक वाटर टू फील, देन आई हैव अ स्ट्रोल, देन आई गो टू वॉशरूम, देन आई अटेंड द नेचुरल कॉल और देन आई गेट फ्रेश, देन आई कम आउटसाइड, देन आई टर्न ऑन द टेप, देन आई वेट माय हैंड्स, अगर सिर्फ हाथ भिगाओगे तो साबुन भी तो लगाओगे ना, तो वहां पर लगाओगे, देन आई टेक सब, साबुन लगाने से पहले पहले साबुन को उठाओगे, उसके बाद मैं साबुन लेता हूँ, है कि नहीं, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, साबुन लेता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा है देन आई टेक द सॉप, देन आई टेक सॉप, ओके अगर यहाँ पे ही होता सर माई फादर होता तुम लिखते माई फादर टेक्स द सॉप, उसके बाद सिर्फ साबुन लोगे लेगा क्या, उसको खेलोगे ऐसे ऐसे कैच कैच करोगे, अच्छा थोड़ी करोगे तो उसको अप्लाई करोगे, अप्लाई मतलब साबुन लगाना, ठीक है, साबुन हाथ में लगाना, ऐसे साबुन लगाना, ऐसे ऐसे लगा देना साबुन, सबको पता है लड़कियां तो ज्यादा ज्यादा लगाती हैं, ठीक नहीं, पर मतलब हमारा इंसान के, अरे हम बात करते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, इवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज अगेन देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड,
है कि नहीं, इन सब के जाति वर्ण धर्म इन सब के आधार पर, रहने के स्थान, काला गोरा, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, इन सब के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो इंसान ऐसा कहता है जरा उनको पूछो, इंसान भी अपने आप से भेदभाव करता है कि नहीं। मुंह में लगाएगा डोव का साबुन और पूरे बॉडी में लगाएगा डेटोल या लाइफबॉय पूरा शरीर कहता होगा कि भाई हमने क्या गलती की, व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन अस, समझ रहे कि नहीं सर। मुंह और फेस वॉश, तो अलग अलग सब फेस वॉश रहता है, पतंजलि का, ये वो, मुझे तो नाम भी ठीक से याद नहीं, एलोवेरा, एलो, हाँ एलोवेरा आता होगा, कुछ कुछ पेरेंट लोग लिखा आता है। है कि नहीं, तो ये हो गया। तो देखो पूरे बॉडी में नहीं लगाएंगे फेस वॉश सिर्फ मुंह में, तो यू ऑल आर डिस्क्रिमिनेटिंग योर बॉडी। तो यहाँ आ जाओ, देखो तो हमने कहा देन आई फास्ट, देखो फिर से वहीं से लेट स्टार्ट अगेन। देन आई टेक वाटर टू फील, मतलब पेट भर के पानी पीता हूँ। देन आई हैव ए स्ट्रोल, थोड़ा टहल लेता हूँ। देन आई गो टू वॉशरूम, देन आई अटेंड द नेचुरल नेचुरल कलर, देन आई गेट फ्रेश, then I come outside, then I turn on the step, then I wet my hands, then I take soap, okay, साबुन लेता हूँ। उसे साबुन लोगे क्या करके उसको थोड़ी इसको खेलोगे तो, then I apply the soap, okay, फिर उसके बाद apply किया, apply मतलब साबुन लगाया। फिर साबुन लगाने के बाद क्या करते हो, साबुन हाथ में होगा तो फिर ऐसे थोड़ी खींचने लगेंगे हम, रब करने लगेंगे। तो then I put it back, कोई भी चीज को अगर हम वापस रखना है तो हम उसको लगा सकते, then I put it back, है कि नहीं। साबुन को उठाया तुमने, साबुन लगाया, फिर साबुन को वापस रखा, हर एक चीज, एक एक चीज जानना जरूरी, तभी ना था अंग्रेजी निकलेगा। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा देन आई पुट इट बैक, मैं फिर से उसको वापस वहां पर रख दिया। बॉडी वा सोची तो बॉडी रे कौन लोगे बा, हिमालय आलो मेरा फेसल से हिमालय, बॉडी वा तो अच्छी की, मुंह तो जानी थी निरमा आओ सौर्फ पावर फॉर उसका देह, मुंडा साबुन, पता नहीं क्या क्या सब लड़कियां सब लगाते रहते ना। हम तो कभी कभार वो जो साफ करने वाला साबुन होता है ना, रीन, और वो जो मिलता है वही लगा लेता हूँ, हो गया साफ सब। कभी कभार सोचते, एक बार तो सोच रहा था कि विम बार ट्राई करो साबुन खत्म हो गया था। अरे जिसमें 100 नींबुओं का ताकत हो वो मेरे बॉडी को साफ नहीं कर सकता। अरे जो किचन के बर्तन होते हैं वो तो मेरे बॉडी से क्या ज्यादा गंदा होता है, अगर वो उनको साफ कर सकता है तो हमारा शरीर तो आसानी से कर सकता है। 100 नींबुओं का शक्ति वाला तीन बार, हो क्या यार, कुछ एक ही जैसा होता है, कुछ अलग अलग नहीं होता है, वो लड़कियां लगाते हैं सब। चलो यहां जाओ, क्या रिसर्च विसर्च क्या रिसर्च करूंगा मैं। अरे एक कहते हैं ना कि अगर लड़का मुंह धो रहा है, इफ अ बॉय इज वॉशिंग हिज फेस, देन वो कहीं ना कहीं जाने वाला है, ठीक है। अगर लड़का अपना सर फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस, अरे भाई साबुन तो होता है लगा रखो, कभी कभार लगा रहे साफ करने वाला, जो ड्रेस व्रेस साफ करने वाला साबुन भी लगा देता हूँ, क्या रखा है उसमें। चलो यहाँ जब मैं क्या बोला था, अगर लड़का कोई अपना फेस वॉश कर रहा है, मतलब फेस धो रहा है, तो वो कहीं जाने वाला है, पक्का जाने वाला होगा भाई। लड़कियां अगर धो रही है तो ये सही पचरी वो कहीं मुंह धोते गोटे खुशी है वो। बड़ा वो सब रिसर्च करने के लिए वक्त कहाँ है, मुंह लगा घुटे दिला साबुन जाने ची, लाइफ बॉय, डेटॉल, विम बार, रीन, मुंडा साबुन यहाँ जब। तो देखो माय फादर टेक्स स्ट्रोल, यहाँ पे नहीं बात हम कर रहे थे, देन आई अटेंड द नेचुरल नेचुरल कोर्स, देन आई वेट माय हैंड्स, ओके, देन आई अप्लाई द सॉप, उसके बाद मैं अपने हाथों पे साबुन लगाता हूँ, देन आई पुट इट बैक, फिर मैं उसको वापस रख देता हूँ, ठीक है। देखो पुट का बेटा कोई भी टू भीतर नहीं होता, ये ऐसा ही रहता है, पुट कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। पुट पुट पुट,
लेकिन जैसे मान लो पुट अगर जा रही है तो पुटिंग इट बैक होगा, लेकिन आई के साथ तो आई एम पुटिंग इट बैक, यू के साथ यू आर पुटिंग इट बैक। अगर उसने खत्म कर दिया तो यू हैव पुट इट बैक, वही पुटेड नहीं होगा। अगर किसी ने पुटेड सोच भी रहा है ना तो उसको उसके नाक नाक में मैं मच्छर का अगरबत्ती घुसा दूंगा। पुट का पुटेड नहीं होता है कभी, उसका चेंज नहीं होता है कभी, पुट 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 ही रहता है। ओके, तो जैसे मैंने कहा मैंने खत्म कर लिया यू के साथ ही हैज, अगर ही के साथ ही ने खत्म कर लिया है, ही ने वापस रख लिया है, तो हम कह सकते हैं ही हैज पुट इट बैक। ओके, वी ऑलवेज ट्राई टू बी फ्रेश, से फेस को वॉश करे सब बड़े। हाँ करू था सब। अब फेरन लवली भी लगाते रहो। से दिखाते हैं गोरा हो जाओ गोरा हो जाओ, कुछ घंटा नहीं होता है गोरा। भाई जो ओरिजिनल कलर है उसको थोड़ी जो चेंज किया जा सकता है। मैंने एक बार एक मम्मी अपनी मम्मी से पूछ लिया था कि मैं मम्मी मतलब मम्मी तो नहीं बोल रहा, मैं बोलता हूँ कि माँ से अगर पूछा माँ तूने मुझे काला क्यों पैदा किया। मैंने सवाल किया माँ तूने मुझे काला क्यों पैदा किया, तो उन्होंने जवाब दिया अगर बेटा तो गोरा होता तो मेलाव नहीं हो जाता। तो मैंने कहा यह क्या जबरदस्त बात है, बहुत अच्छा, गोरा हो गया तब ना मेला वेला हो जाओगे। यहाँ जब बात कर रहे थे हम किसके बारे में, कौन कौन है स्वर्गीय रूपा पीयूष निपिश शुभम अरुणिमा। चलो यहाँ आ जाओ, तो देखो फिर देन आई वेट माई हैंड्स देन आई टेक शॉप देन आई अप्लाई द शॉप देन आई पुट इट बैक, उसके बाद देन आई रब माई हैंड्स फॉर 20 सेकेंड। ठीक है, इसको तुम चाहो तो कोई बीमारी वीमारी है फोबिया तो उसको तुम 1 घंटे तक रब भी कर सकते, बट लगभग 20 सेकेंड के लिए रब करना चाहिए। रब मतलब क्या होता है, घिसना, साबुन घिसना ऐसे, है कि नहीं। और बच्चों को सिखाया जाता है ऐसे ऐसे करोगे ऐसे ऐसे करोगे, है कि नहीं, ऐसे 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 करके फिर दो अल्लाह के नाम पे दो दे बेटा। तो यहाँ पे देखो देन आई रब माई हैंड्स फॉर 20 सेकंड, 20 सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ अपना हाथ को रब करता हूँ, देन आई वॉश माई हैंड्स, उसके बाद हाथ को धोऊंगा, है कि नहीं, देन आई वॉश माई हैंड्स, चलो फिर से वापस आ जाओ, देन आई टेक वाटर। हमने यहाँ पे छोड़ा था कि उसके बाद देन आई आस्क फॉर वाटर, देन आई टेक वाटर टू फील, देन आई हैव ए स्ट्रॉल, देन आई गो टू वॉशरूम, देन आई अटेंड द नेचुरल कॉल, देन आई कम आउटसाइड, देन आई टर्न ऑन द टैप एंड wet my hands, then I take soap, then I apply the soap, then I put it back, then I rub my hands for 20 seconds, then I wash my hands. ठीक है, मतलब अब तक तुम सुबह बस बाथरूम से निकल के हाथ ही धो रहे और 20 सेंटेंसेस हो चुका है। नोटबुक पोछो रहे था हाउ टू रब योर हैंड्स। हाँ 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 ठीक है, सीखो तुम्हें सो पढ़ना पढ़ना को मारो सो। देन आई वॉश माई हैंड्स, उसके बाद देन आई टाइटन द टेप। देखो टाइटन मतलब होता है कोई भी चीज को अगर टाइट करना, है कि नहीं, देखो टाइट क्या होता है, कोई भी चीज अगर कसा हुआ है तो उसको हम कहते हैं टाइट, लेकिन उसको टाइट करना, टाइट करना उसके लिए एक वर्ब आता है दैट इज टाइटन। ठीक है, टाइट में ई एन लगा तो टाइटन हो जाएगा। उसके बाद मैं टेप को क्या करता हूँ, टाइट कर देता हूँ। व्हाई आर यू टाइटनिंग द टेप, अगर कोई मुझे पूछे, जैसे मान लो कि मैं टाइट कर रहा हूँ, अगर मुझे पूछ रहा है कि टाइट, देखो टाइटन है तो टाइटन आई नहीं लगा तो टाइटनिंग हो जाएगा। अगर कोई आगे मुझे पूछ रहा है कि व्हाई आर यू टाइटनिंग द टेप, मैं क्या कहूंगा, बिकॉज इट लीक्स, ठीक है, लीक करता है। ये भी कर सकते कर रहा होगा तो तुम कह सकते हो भाई बिकॉज इट इज लीकिंग, है कि नहीं। टाइटन देखो टी आई जी एच टी, इसका अगर भी टू निकालो टी आई जी एच टी ई एन, ये टाइट में लगा दो ई एन फिर ईडी लगा दो टाइटन, बी थ्री भी सेम होता है इसका। तो इसको तुम अपनी जिंदगी में हर चीज यहाँ पे जो जो लिख रहा हो ना तुम इसको अपने लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब उस वर्ड्स की मैं बात करूँ, मतलब एक्शन की बात करो। टाइटन से मैंने कहा, मैंने कहा टेप को टाइट करना तो हमने बना दिया सर टाइटन द टेप। अगर मैं कहूँगा बेल्ट को टाइट करो तो क्या होगा, जल्दी कमेंट करो। अगर मैं तुम्हें सवाल बोल रहा हूँ कि अपना बेल्ट थोड़ा टाइट कर लो तो क्या होगा, जल्दी कमेंट करो। यहाँ पे लिखा है मैंने कि टाइटन द टेप, मतलब टेप को टाइट करो, है कि नहीं। अरे हाँ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ
वहीं पे अगर मैंने बोला कि बेल्ट को, अपना बेल्ट को टाइट करो, कहते ना कमर कस के, जल्दी कमेंट करो क्या होगा, बेल्ट को टाइट करना। यस, टाइटन द बेल्ट। हाँ, इसको कहीं भी लगा सकते हो, कोई भी चीज को टाइट कर रहे हो, कोई भी स्क्रू को टाइट कर रहे हो, नॉट को टाइट कर रहे हो, तो कैसे को टाइटन द स्क्रू, टाइटन द नॉट, है कि नहीं भाई? ये एक अलग बात है, टाइट से अलग है, ठीक है, जबकि टाइट एडजेक्टिव है। समझ आया? तो इसके बाद में टेप को क्या करता हूँ, टाइटन करता हूँ इसको। अगर देखो तुम, मान लो कि सर टाइटन जारी है तो क्या हो जाएगा, टाइटनिंग हो जाएगा, जारी है तो टाइटनिंग हो गया, है कि नहीं? वहीं पे अगर इसको हमने लगा दे कि मैं कर रहा था तो आई के साथ आई एम टाइटनिंग होगा, अगर यू कर रहा है तो यू आर टाइटनिंग होगा, सवाल करो इसको आर यू एम आई। उसके बाद मान लो ही के साथ चल रहा था और ये खत्म हो गया तो ही हैज क्या होगा, ही हैज टाइटन्ड, उसने अपना बेल्ट टाइट कर ली है, हम कह सकते हैं ही हैज टाइटन्ड हिज बेल्ट। अगर मान लो मेरा ये टी शर्ट मुझे लूज हो रहा होगा तो मैं इसको लेकर टाइट करवाऊंगा, वही हो जाएगा, आई हैव टाइटन्ड माय टी शर्ट। यस, बहुत बढ़िया, आ जाओ यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा देन आई लुक फॉर ए टॉवल, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक टॉवल ढूंढता हूँ। देखो बेटा, उस दिन मैंने बताया था सर्च फॉर और लुक फॉर दोनों एक ही होता है, तुम सर्च फॉर इसके जगह पे तुम सर्च फॉर भी लगा सकते हो, सर्च फॉर जहाँ है तुम, अब जैसे मैंने कहा आई एम सर्चिंग फॉर ए जॉब, तुम वहाँ पर लिख सकते हो आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, दोनों का मतलब ढूंढना होता है। लुक फॉर लिख लो या सर्च फॉर लिख लो, दोनों का मतलब होता है सेम, ढूंढना। मान लो मैं घर ढूंढ रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम लुकिंग फॉर ए हाउस, भाड़े के लिए, यानी रेंट हाउस। जॉब ढूंढ रहा हूँ तो आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, उसके बाद मैं ढूंढता हूँ। इसके जगह पे तुम सर्च फॉर भी लगा सकते हो, अगर तुम कहोगे सर आपने वहां पे तो सर्च फॉर बता रहे, यहाँ पे लुक फॉर बता रहे, बड़ा कोई अंतर नहीं है, सेम चीज ही है। देन आई लुक फॉर ए टॉवल, उसके बाद टॉवल ढूंढ लिया तुमने, फिर टॉवल ढूंढ लिया, टेक ए टॉवल भी लिख सकते हो यहाँ पे, एल लगा, देन आई टेक ए टॉवल, टॉवल ढूंढा, फिर मैंने टॉवल उठाया, टॉवल लिया, देन आई वाइप माई हैंड्स, वाइप मतलब होता है पोंछना, वाइप, वाइप ना रे मूर्ख दो, वाइप कोई बनी से पूछी दो, ठीक है, इसका B2B3 वाइप्ड होता है, जो वाइपिंग करोगे तो ई हट जाएगा, वाइप, ये जो ई है इसकी जगह पे आई लगेगा और एन सी, मतलब ई को हटा देंगे हम वाइपिंग। जैसे मान लो वाइप, जैसे मैंने कहा कि देन आई वाइप माई हैंड्स, ओके, देन आई वाइप माई हैंड्स, अगर ये जारी होगा सर देन आई वाइपिंग माई, उसके बाद देन आई देन आई एम वाइपिंग माई हैंड्स होगा, है कि नहीं? यू के साथ तो यू आर वाइपिंग माई की जगह पे क्या होगा, यू आर होगा, खत्म हो गया तो वाइप्ड होगा, देन आई हैव वाइप्ड माई हैंड्स, क्या तुमने अपना हाथ पोछ लिया? उसने कहा यस आई हैव वाइप्ड माई हैंड्स, हाँ मैंने अपना हाथ पोछ लिया है। Yes, sir, good. I am tightening the belt. You are tightening the belt. I have tightened the belt. You are tight. He has tightened the belt. बहुत अच्छा. Then I hang it to bake. उसके बाद फिर से इसको वहाँ पे टांग दूंगा, जहाँ से टॉवल लाया था उसको वहाँ पे मैं वापस रख रहा हूँ, उसको मैं कहूँगा कि then I hang it back. जा रही है तो हैंगिंग होगा सर, है कि नहीं? जा रही है तो हैंगिंग होगा, हैंग्ड नहीं होगा, टांगना मैंने क्या बताया था, टांगना हैंग, उसका बी टी हंग होता है और बी थ्री भी हंग होता है कि नहीं? हैंग्ड मतलब हैंग्ड मत लिख देना, इसका मतलब फांसी देना हो जाता है, हैंग्ड हैंग, जबकि शुरुआत दोनों यही से होता है, ये भी ये वाला भी, ठीक है? यस, देन आई हैंग इट बैक, इसको मैं वापस वहां पे रख देता हूँ। फिर देन आई टेक ब्रश, उसके बाद मैं ब्रश लेता हूँ एंड टूथपेस्ट, फिर ब्रश लेके क्या वहां पे ऐसे खुजा हो गए गाल नाक, उसमें भाई दांत ब्रश करोगे ना, दांत घिसोगे, तो यू हैव टू टेक ब्रश एंड टूथपेस्ट बोथ,
ओके, तो उसके बाद तुम कहोगे देन आई टेक ब्रश एंड टूथपेस्ट। उसके बाद मैंने ब्रश लिया, फिर टूथपेस्ट लिया। टूथपेस्ट जब लिया, टूथपेस्ट कैसे, टूथपेस्ट का हम क्या करते हैं, जैसे दबा के निकालते हैं ना, ए कभी कभार तो टूथपेस्ट का हाल कुछ इस तरह से हो जाता है, उसको पीछे से मोड़ना पड़ता है, मोड़ 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 के उसको दबाना पड़ता है, जाकर थोड़ा निकलता है। ये सब लड़के कर सकते हैं, लड़कियां आई डोंट थिंक, लड़कियां ये करते हैं मतलब काट देते हैं। काट दो, दो दिन का जुगाड़ हो गया उसको। नहीं ये लड़कियां की बात नहीं, ये इंडियन की बात अगर हम करें, ठीक है, इंडियन की यही वेजन है, टूथपेस्ट का अगर खत्म हो गया तो उसको फेंकेंगे नहीं, उसको काटेंगे, उसको दो दिन इस्तेमाल होगा काटने के बाद। यस, जितने बड़े सॉरी जाए टूथपेस्ट। तो जो टूथपेस्ट को हम निकालते हैं कि नहीं, जो दबा के निकालते हैं उसको हम कहते हैं स्क्वीज द पेस्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्वीज द पेस्ट आउट, ठीक है, स्क्वीज द पेस्ट आउट मतलब बाहर निकालते हैं, जो दबाने का, जैसे तुमने क्रीम लगा लो, ठीक है, मान लो कि फर्न लेवल खत्म हो गया, लेकिन तुम्हें इमरजेंसी में जाना है कहीं नहीं, तो गोरा दिखना है, ठीक है, नहीं लड़कियों की तो बात ही मत कर, तो जबरदस्ती दबाना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं जैसे ऐसे भी दबाना, सिंपल दबाना है, दैट इज कॉल्ड द स्क्वीज द पेस्ट आउट। क्या कहोगे बोलो मेरे साथ, देन आई स्क्वीज द पेस्ट आउट, ठीक है, नहीं उसको बाहर निकलता हूँ। यहाँ पे क्रीम होगा तो देन आई स्क्वीज द क्रीम आउट, क्रीम को बाहर निकलता हूँ दाब के। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 30 हो गया, बोलो यहाँ से, देन आई टेक वाटर टू फील, देन आई हैव अ स्ट्रॉल, देन आई गो टू वॉशरूम, देन आई अटेंड द नेचुरल कॉल्स, देन आई कम आउट सम, देन आई टर्न ऑन द टेप, टेप ऑन किया फिर क्या कहूंगा मैं, देन आई वेट माई हैंड्स, देन आई टेक सोप, देन आई अप्लाई द सोप, देन आई पुट इट बैक, देन आई रब माई हैंड्स फॉर 20 सेकंड, देन आई वॉश माई हैंड्स, then I tighten the tape, then I look for a towel, then I take a towel, then I wipe my hands, then I hang it back, then I take brush and toothpaste, then I squeeze the paste out. Okay, 30 sentence ho gaya, ab tak tumne brush bhi nahi kiya hai, bas paste leke ghoom rahe ho, hai ki nahi, pura ka pura 1 se 30 tak kal 9 baje se pehle bhejna hai group mein. तुम्हें कहा कि नहीं सर वो 10 तो भेज चुके थे साहब, मिला के 130 तक, और फिर तुम्हें कल ब्रश करवाऊंगा और नाश्ता करवाऊंगा, आज इतना ही रहो। यस यस, ऑडियो 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 बेटा, बोलना है यहाँ पे, लिखने की तो ज्यादा फोकस में कभी करता ही नहीं। ओके, लिखने लिखने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ तुम्हें, बट मुझे डाउट होता है कभी कभार ये बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर लिख सकते हो तो अच्छी बात है, अगर ऑडियो भेज सकते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है मतलब इन द सेंस मैंने उनको कहा था कि अलग अलग फॉर्मेट में बदलना है, ठीक है, लिखने ये सबको 30 तक लिखने की भेजने की जरूरत नहीं है, इनको ऑडियो भेज दो तो उसको फॉर्मेट में मत डालो अभी, ठीक है, इसको लेकिन दिमाग में बिठाना है कि सर जारी है तो आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ तुम्हें। ओके, दिमाग को जो इन द सेम रट, उसी रट में जो वापस आ जाते हैं उसको वहां पे नहीं रखना है, कोई बोरियत नहीं लाना है। मैंने कहा ना कि जितना ज्यादा तुम खुद को कॉन्सेंट्रेट करोगे, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है बेटा, याद रखना हमेशा जिंदगी का एक ही फॉर्मूला होता है, जिंदगी का एक ही फॉर्मूला होता है, दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला ऑफ माय लाइफ, कॉन्क्वर इक्वल टू कॉन्सोलिडेट देन शी इक्वल टू सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लाइफ। एक किताब मतलब 10 किताब पढ़ने से ज्यादा बेहतर एक किताब को 10 टाइम्स पढ़ो, हिस्ट्री उठाकर देख लो, पूरा भर भर के एग्जाम्पल है, कॉन्क्वर इक्वल टू कॉन्सोलिडेट, कॉन्क्वर इक्वल टू जीतना, मतलब देखो जो तुम मतलब जो चीज तुम जान रहे हो, जो भी तुम नए सीख रहे हो उसके ऊपर तुम्हारा पकड़ अच्छी तरह से होना चाहिए। अब मैं अगर मैं बोल दूं कि यू विल फाइंड योर फीट, है कि नहीं, तो इसका मतलब अगर तुम अब भूल गए हो, इंग्लिश इज अ डायमंड डजन इट्स नॉट हार्ड नॉट टू क्रक, इस सब चीजें डोंट स्टे इन लर्च हॉल योर हॉर्सेस, ये सब चीजें मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, बट अगर तुम 13वें दिन में उसे भूल गए सब, तब तो भाई कांड हो गया तुम्हारा, तो हो ही नहीं सकता स्पोकन कभी।
तो जो तुम सीखते हो उनपे क्या करना, जो तुम कंक्वेयर करते हो उसको कंसोलिडेट करो, उसमें पकड़ बनाओ, दैट इज कंक्वेयर इक्वल टू कंसोलिडेट। ये फॉर्मूला अप्लाई किया था ना अकबर ने, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था अकबर ने, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था अंग्रेजों ने। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हिस्ट्री विस्ट्री कुछ आता है मतलब थोड़ा बहुत आइडिया होगा? अरे अंग्रेजों ने शुरू किया था कब, 1757 में, ये उनका पहली लड़ाई थी जो रूल करना शुरू किया, बैटल ऑफ प्लेसी से शुरू होता है, और फिर 1857 में जाके होता है शिपोई रिवर, है कि नहीं? तो मतलब 100 साल उनको लगा था पूरे भारत को कन्वर्ट करने के लिए। अगर ब्रिटिश चाहते 5 साल में भी कर सकते थे, अगर ब्रिटिश चाहते 5 साल में भी पूरे भारत को कन्वर्ट कर सकते थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उनके पास इतना फोर्स था, इतना मतलब टेक्निक्स था, वार टेक्निक्स था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा पहले बंगाल को अब कब्जा किया, फिर उसके बाद अवध को, फिर मैसूर, फिर मैसूर में टीपू सुल्तान को, उसके बाद वो गए किसके पास, मराठा, फिर शीख, है कि नहीं? इस तरह से फिर राजपूत, इस तरह से लगभग 100 साल तक वेट करते रहे, वेट करते रहे, और जितना भी वो कंक्वर करते थे उनको कंसोलिडेट करते थे। उसी वजह से ना आगे आने वाला और 200 साल आने वाला और 100-150 साल उन्होंने रूल कर लिया। वहीं पे देखो मराठा गधे सब थे, पेशवा बाजीराव, अपने जिंदगी में 46 ना कितना लड़ाई लड़ी थी, एक भी लड़ाई नहीं आ रहा था मराठा, जबकि मराठा को होना चाहिए था हमारे भारत का फ्यूचर रूलर, इतना पावरफुल थे, लेकिन उन्होंने जीतते थे और उसमें पकड़ नहीं बनाते, बस फैलते जाओ, अपने साम्राज्य को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, पूरे अपने साम्राज्य को बहुत ज्यादा बढ़ाया, लेकिन और बढ़ाते गए, और 2 दिन के बाद जो वहां वापस आए थे लोग, उन्हें किसी और ने कब्जा कर लिया है वहां पे, है कि नहीं? लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं आने दिया। अकबर को देख लो, हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखने मिलता है। दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला ऑफ माई लाइफ ऑल्सो, शी इक्वल टू शी, जितना सीखते हो उसमें पकड़ बनाओ, ये नहीं कि एक दिन में सब कर देंगे। इसे कहा ना कि द ग्रेटर द फ्यूजन, जितना ज्यादा संलयन होगा उतनी ही ज्यादा विखंडन होगा, द ग्रेटर द फ्यूजन द ग्रेटर द फ्यूजन। ओके, ये फिजिक्स भी अगर पढ़े होगे तो पता ही होगा, है कि नहीं? जितना ज्यादा तुम खुद को कंसंट्रेट करोगे, लेकिन उसके बाद जो उसने मैंने कहा ना ब्लैक होल पहले क्या होता है, पहले सिकुड़ता है। अगर बिग बैंग थ्योरी तुम्हें पता होगा पहले क्या हुआ था, बहुत बड़ा जो था गैस, मतलब गैस का गैलेक्सी टाइप का था, पहले सिकुड़ा, बहुत ही ज्यादा सिकुड़ा, उसका मास इतना हो गया कि खुद संभाल नहीं पाया, फिर ब्लास्ट हो गया, उसी से बना ना सब गैलेक्सी वैलेक्सी सब बना, मिल्की वे, एंड्रोमेडा, सब कुछ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आज का ज्ञान, शी इक्वल टू सी, कॉन्क्वर इक्वल टू कॉन्सोलिडेट, जब तक किसी चीज पर पकड़ नहीं आएगा, वही चीज पहले दिन से समझ, जब तक पहला स्टेप सही नहीं है तो पहाड़ कैसे चढ़ोगे, अगले स्टेप कैसे लोगे? ओके, कौन सा वाला सच, बिग बैंग? जल्दी कमेंट करो बेटा, खत्म करते हैं आज का क्लास, 6-7 बजने वाला। अच्छा C इक्वल टू सी सच है या नहीं? अच्छा बिग बैंग वाला, हाँ सही है बेटा। देखो यूनिवर्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, मतलब बहुत ही कम पता है, बहुत ही कम। आई थिंक वो लेडी 2-3 दिन पहले उनका डेथ हुआ, कैथरीन, कैथरीन नाम की लेडी थी अमेरिका की, जिन्होंने फॉर्मूला दिया था, जिस फॉर्मूला के दम पर अमेरिका नासा चला गया था कहाँ पे, मून, ठीक है, वो उन्होंने फॉर्मूला किस तरह से सब चीजें की जाएगी, कैसे हर चीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। लेकिन आज तक जो सबसे एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है, सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी, ये एंड नहीं है बेटा, इट्स नॉट द एंड, क्योंकि हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, आगे जाके कुछ और पता चल सकता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हम बचपन में पढ़े थे 9 प्लैनेट्स, फिर जब तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो बन गया 8, और फिर एक दिन नासा के हेड ने बोल दिया कि नहीं प्लूटो को भी डाल दो अपने साथ, फिर बोल रहे हैं 9। द मोस्ट एक्सेप्टेबल दैट इज द बिग बैंग थ्योरी, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में हम बात करें। ओके, कभी अगर तुम्हें पढ़ना होगा
क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमी। ओके पढ़ना हो तो बोलना, मुझे वक्त निकाल के पढ़ा दूंगा। तारामंडल, नक्षत्र, ब्लैक होल क्या होता है, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, जो एक्सेप्टेबल थियोरीज है। एस्ट्रोनॉमी बेटा, एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का देखो ध्यान से, तो यहाँ सर बकलोल, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है ठीक है पूरा यूनिवर्स की, देखो ये हो गया हमारा क्या, ये सन, मान लो ये सन है कि नहीं, उसके बाद ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, मान लो इसी में आ गए 9 के 9, इतना तक मान लो 9 के 9 प्लैनेट्स। उसके बाद तुमने क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा किसको, ऊर्षा मेजर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ऊर्षा मेजर, ऊर्षा माइनर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कमेंट करो। और एक क्या होता है हंटर टाइप का कुछ होता है कि नहीं, भूल गया अभी याद था मुझे, दिमाग सब स्कीप हो गया। ये सब चीजें, ये सब क्या है बेटा, दीज आर द, ये क्या है, नक्षत्र ही तो है, तारा ही तो है, तारा मंडल ही तो है, ग्रुप ऑफ स्टार्स तो है, कॉन्स्टलेशन। इसको अगर हम क्या है तो ये ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन कहते हैं, है कि नहीं भाई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यस कॉन्स्टलेशन, अच्छा यस यस ओरियन, ओरियन बहुत बढ़िया, ओरियन दिमाग से निकल गया, तो जो शिकारी तरह दिखता है ओरियन, यस बहुत बढ़िया। तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, सूरज और जो ये ग्रह प्लैनेट्स, उसके बाद ये मान लो और एक लेयर में बना देता हूं ठीक है, मान लो यहाँ पे सारे का सारे हमारे रह गए कौन, सोलर सिस्टम हमारे यहाँ पे सारे का सारे 8 के ग्रह, उसमें एस्टेरॉयड है कि नहीं, सब आ गए वहां पे। उसके बाद एक लेयर आता है, मतलब उसके बाद अगर तुम जाके देखोगे उसके दूर अगर जाओगे तो यहाँ पे होता है कॉन्स्टलेशन, अलग अलग तारामंडल, लगभग 80 या 89 के लगभग कुछ है नक्षत्र मंडल जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन, ये तारामंडल जिनको हम कहते हैं, समझो ध्यान से, ये इतना को ही कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, इतने को ही कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या समझ में आया, नहीं आया तो फिर से ड्रॉ करता हूँ, आई थिंक थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, चलो इसको मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं है इसकी। ध्यान दो यहाँ पर, ये हमने बना दी सन ठीक है, ये हो गया अर्थ, हो गया सॉरी अर्थ बोल रहा हूँ, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, अभी ऑर्बिट बन रहा ना सब, ठीक नहीं, ये बना दी मैंने प्लैनेट, ये हो गया नेपच्यून ठीक है। अरे सब पता है, ये सब चीजें पता है, ये उनका ऑर्बिट में इसको घूम रहे। उसके बाद एक एरिया आता है जिस एरिया में क्या होते हैं तारामंडल देखने को मिलता है, यहाँ पे कॉन्स्टलेशन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आई थिंक अब बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। बहुत से हैं, 80 से ज्यादा हैं इन, अगर इतना को मिला दोगे तुम, इतना को, इतना को, इसी को कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। यही है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन क्या यही हमारा यूनिवर्स का अंत है, क्या यही खत्म है हमारा यूनिवर्स? अरे भाई यूनिवर्स में अभी भयानक भयानक सी चीजें, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, है कि नहीं, ये बहुत बड़ा गैलेक्सी का एक पार्ट है, ठीक है नहीं, उसके अंदर मतलब यूनिवर्स के अंदर लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, तो बाकी जो जितने बच गए गैलेक्सी वगैरह ये वो सब चीजें, उसको अगर टोटल मिला दें इसके, इसको और इसको टोटल देना, हम चीजों को टोटल जो मतलब यूनिवर्स के बारे में स्टडी को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी ठीक।
पूरा का पूरा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी से थोड़ा सा पार्ट जो हमने बोल दिया कि तुम अगर जाओगे ना पंडित वंडित के पास, वो दो चीजें ही बोलेंगे, या तो ग्रह या नक्षत्र, और कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई उनका यही खत्म हो जाता है, यही ग्रह और नक्षत्र, कहानी खत्म। जबकि एस्ट्रोनॉमी जब पढ़ा, अगर कभी पढ़ाने की मौका मिले तो पूरा बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें भाई, भाष जितना एस्ट्रोनॉमी है, यूनिवर्स हमारा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, सबको समझ आया? अरे अगर तुम एस्ट्रोनॉमी पढ़ लोगे तो एस्ट्रोलॉजी आ जाएगा ना उसमें, उसमें डिटेल से पढ़ने की क्या जरूरत है, बस थोड़ी थोड़ी बातें हमें भी पता है एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन मैं मानता नहीं हूँ ज्यादा, नहीं यहाँ पे इनका ग्रह का नाम अलग है, तुम उनके पास जाओगे ना तो पृथ्वी बोलेंगे, बाकी सबको अलग अलग बोलेंगे ना, अलग अलग नाम में से बोलेंगे, है कि नहीं, लास्ट वाला यम वरुण, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे सुने होगे, शनि बृहस्पति, जिसका बृहस्पति अच्छा होता है वो काफी अच्छा, मतलब सब चीज में पढ़ाई वढ़ाई सब चीज पे, बृहस्पति को अगर खुश करना है तो दो चीज करना पड़ता है, या तो क्या करो, जो अपने अपनों से बड़े होंगे उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर शनिदेव को मतलब खुश करना है तो सैटरडे को काला कपड़ा पहनो, सैटरडे को वाल वाल इधर इधर का कुछ काले चीजें भी को काटना नहीं है, और सैटरडे को काला कपड़ा पहनना है, और क्या कहते हैं उसको, हाँ मजदूर जो होंगे तुम्हारे घर में अगर काम कर रहा है सैटरडे के दिन, या फिर उनको कोई भी दिन हो, उनको तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना है, जो उनका उनका प्राप्य है उनको दे देना चाहिए, दीज आर ऑल थिंग्स द एस्ट्रोलॉजी, काफी सारी चीजें है कि नहीं। बस एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में कभी कभार मैं भी घबरा जाता हूँ कि सैटरडे में काट दूं, और बहुत से जिसका बुध या शुक्र, शुक्र जिसका तेज होता है, शुक्र जिसका पावरफुल होता है जिस ग्रह ना, वो बड़ा लड़की पढ़ा, लड़की पढ़ा मतलब पटाता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहा, शुक्र ग्रह जिसका ताकतवर होता है जिस टाइम पे, लड़की जबरदस्त पटाता है वो। चलो वो सबसे बहुत ज्यादा हम स्पोकन से कहाँ आ गए एस्ट्रोनॉमी में, हाँ केतु भी एक है, हाँ शुक्र मोर की पावरफुल मुंह नीचे ही जानना है। चलो चलो आज का क्लास कहीं खत्म करते हैं, ठीक है, होमवर्क याद है सबको, थोड़ा डाउट हो रहा था इसलिए मैंने समझा दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। यस नेक्स्ट फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यस फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।